दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आज एक मॉर्निंग में वीडियो लाया था जो थी जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड। दोस्तों वहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो गया है। जिसको नहीं पता है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख ले, एज वेल एज सारे अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे वो सारे अपडेट। और जिनका नहीं आया है वो वेट करें, होप सो आ जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में 10-15 या 20 बंदों ने बिल्कुल विद इन अ सेकेंड अप्लाई कर दिया तो उन्होंने सोचा कि ये रियल है, फिर उसके बाद एकदम चला गया, तो फिर वो क्वेरी करने के बाद ही रिप्लाई करेंगे। तो वहां से रिप्लाई आना स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, इससे लास्ट वीडियो वाली थी जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, उसमें जरूर देख लीजिएगा। मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। तो मैंने जो आपने थंबनेल पे देखा टाटा इंजीनियर्स, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन एलिजिबल है? जी हाँ, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। बस आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे। एक चीज और, कोई भी ऐसा मत सोचा कीजिए कि कभी भी मैं यहाँ खाली अर्निंग के लिए हूँ या मैं किसी और चीज़ के लिए हूँ। आई एम वेल सेटल्ड, मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ। बट एक चीज़ है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज आता हूँ। तो दोस्तों जब मैं आपकी हेल्प करने के लिए आगे हूँ, मैं आपकी ऑलवेज हेल्प करना चाहता हूँ, ऑलवेज आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऑलवेज आपके लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कीजिए यार। चैनल को शेयर करने में क्या ही जा रहा है, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपको देखिए इससे क्या होता है, इससे ना मोटिवेशन बढ़ती है। जब आप शेयर करते हैं ना तो आपको भी लगता है नहीं यार रियलिटी है वो है, तो आपका जब आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए मेरा सपोर्ट ऑलवेज रहेगा, ऐसा नहीं है। और मैं अपने टेलीग्राम, इंस्टा और लिंक्डइन तीनों पे मैं कनेक्ट हो सकते हैं आप मेरे से जब चाहे। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, इसको पूरा देखिएगा तभी समझ में आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी के बारे में दे देता हूँ। दोस्तों क्या आप सबको पता है कि टेस्ला इंडिया आ रही है? जी हाँ, टेस्ला कार इंडिया आने लग रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। क्यों? अगर टेस्ला कार आएगी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी तो आपको अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। दोस्तों ये इसी बिहाफ पे अनअकैडमी जो है एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप लेके आया है। किस किस के लिए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियर के लिए। क्योंकि आप पहले से पहले रेडी रहेंगे तो टेस्ला के आते के साथ ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। ये इसमें क्या क्या होने वाला है, कब कब होने वाला है? दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए इंजीनियरिंग बिहाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रोबोटिक ऑपरेशन सिस्टम, सिविल वालों के लिए सेमिक डिजाइन यूजिंग स्टेट प्रो एंड एटैप्स। दोस्तों अगर नॉर्मली हम इसे कहीं भी जाके परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है 999, बट मेरे व्यूवर्स के लिए अनअकैडमी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाया है। इसका जो सारे लिंक्स है, इसको अप्लाई करने के लिंक्स है, एज वेल एज इसमें जो आपको अगर प्रोमो कोड चाहिए उसका भी प्रोमो कोड engineerjob01, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होने वाला कब है? ये होने वाला है 13 अगस्त 2022 को 12 बजे। तो आप देरी मत कीजिए, अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस मत होने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले करीबन टाटा इंजीनियर्स की वैकेंसी आज से 1 से 2 महीने पहले डाली थी, तब भी यहाँ से हाई स्केल पे सिलेक्शन हुआ था। ये किस किस के लिए है, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल, सबके बारे में बात करेंगे। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी बताया कि मेरी वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके आप वेबसाइट ओपन कीजिए और वहाँ जाके पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा। कैसी वेबसाइट है, किस तरीके की वेबसाइट है, आपने देखा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोई भी ये वेबसाइट है। यहाँ जाके आप कहीं भी किसी को भी लिंक ओपन करेंगे, कोई भी वैकेंसी देखनी है, जैसे आपको टाटा ग्रुप ही देखनी है, तो इनके सबके लिंक आपको इन्हीं के पोस्ट के नीचे मिल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ लिंक्स में अप्लाई लिंक, कवर लेटर, रिज्यूम फॉर्मेट सभी ओके है। इसके साथ साथ अब आइए हम इसके कैरियर ऑफिशियल पेज पे पहुंच गए। तो देखिए अब इसमें ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बता दूं, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, इसके साथ साथ मैकेनिकल ITCS इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल मेटलर्जी, तो इन्हीं वाले जो ब्रांचेस हैं वही एलिजिबल हैं। अगर पर्टिकुलर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए सिविल वालों के लिए, देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बिल्कुल एंड तक बताऊंगा, सिविल वालों के लिए साइट इंजीनियर्स की वैकेंसी आई हुई है, 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब फ्रेशर वाले, और इसकी लास्ट डेट क्लोजिंग डेट क्या है, ये 31 दिसंबर तक चलती ही रहेगी अलग अलग साइट पे, लोकेशन जमशेदपुर एज वेल एज ऑल इंडिया रहने वाली है। सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है, और भी वैकेंसी है जो 1 साल के पे है, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये प्लानिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी है जो यहाँ से 2 से 3 साल वालों के लिए एलिजिबल है। एक आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर, और ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी लैब एंड QC साइट प्रोजेक्ट साइट PMC साइट इंजीनियर सर्वे, 1 से 3 साल तक का, और यहाँ ITI और डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। इसके साथ साथ BE BTech वाले एलिजिबल हैं यहाँ। देखिए मैं आपको ऑलवेज अच्छी वैकेंसी देता हूँ और देता रहूँगा, एक वैकेंसी को आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, और जो 2 साल का एक्सपीरियंस है और जिनके पास MTech है, BTech है, डिप्लोमा है, सभी यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, तो आप देख सकते हैं, और सबकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है, तो लास्ट डेट इनकी आगे है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी क्या है, अगर आप देखेंगे दूसरी अगर कोई वैकेंसी ले लीजिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इन्होंने जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है वो डिप्लोमा का मांगा है 3 साल का, तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो 3 साल, और ये लोअर डिग्री लिखी है, हायर डिग्री आप अपने हिसाब से BTech वाले भी इसमें अप्लाई कर दें। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम मैकेनिकल वालों के लिए बात करते हैं, तो मैकेनिकल वालों के लिए 1 साल वाली बहुत सही वैकेंसी आ रही है। 2 वैकेंसी हैं जो फ्रेशर वालों के लिए एलिजिबल है, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहनी है, क्या है, MEP इंजीनियर 1 से 3 साल तक का BE मांगी है। तो ये इस तरीके की वैकेंसी बहुत सारी है, तो आपको क्या कर लेना है, पर्टिकुलर अपनी ब्रांच से रिलेटेड मेटलर्जी से आप देख सकते हैं, या फिर आप एनवायरमेंटल केमिकल से देख सकते हैं, तो सभी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो अगर आप देख सकते, अगर आपको अप्लाई करना हो तो मैं आपको एक वैकेंसी के लिए अप्लाई भी करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप PMC इंजीनियर को आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहां आपको साइड में अप्लाई फॉर दिस पोजीशन आ जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, अप्लाई फॉर दिस, आर यू करंटली ए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर एम्प्लॉय, तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम होते तो हम अप्लाई ही क्यों करते। तो इसके बाद आपको टाइटल, देखिए टाइटल में आपको मिस्टर, फिर फर्स्ट नेम कैपिटल में लिखिएगा, मिडिल नेम कैपिटल में राम कुमार शर्मा, और या तो फिर राम शर्मा है तो राम शर्मा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा है, बी है, बीई, बीटेक जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा। डिसिप्लिन कौन सा है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, करंट एम्प्लॉयर, ये उनके लिए है जो अभी काम कर रहे हैं, तो फ्रेशर लिख दीजिएगा। करंट इंडस्ट्री, तो आपको पावर सेक्टर में जाना है पावर सेक्टर लिख दीजिएगा, स्टील सेक्टर में जाना है स्टील सेक्टर लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में जाना है कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। करंट सीटीसी में आप एक्सपेक्टेड सीटीसी जो आपको थंबनेल पे लिखी है वही मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस अगर आपका 0 एक्सपीरियंस है तो 0.00 याद रखिए। देखिए जो फॉर्मेट दिया हुआ है इन पे भी ध्यान दे लिया कीजिए, 0.00 एक्सपीरियंस के फॉर्मेट में लिखना है। साइट एक्सपीरियंस इन ईयर 0 है तो 0 लिख दीजिएगा। डिजाइन एक्सपीरियंस इन ईयर 0। लोकेशन में इन्होंने खाली सूरत ही डाला है क्योंकि सूरत के लिए ही ये वैकेंसी है। इसके साथ साथ करंट लोकेशन आपकी क्या है, आप दिल्ली बिहार जहां से भी बिलोंग करते हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपलोड रिज्यूम का एक फॉर्मेट मैंने बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख ले। इसके साथ साथ एंटर टेक्स्ट ये वाला कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर दीजिएगा, आपके पास मेल पे रिप्लाई भी आ जाएगा। जो अभी इस चैनल पे नया है तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।